आर्टिस्ट सिंगर डॉक्टर रमेश अग्रवाल मुझे पहुंच चुके हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार था। वेलकम वेलकम वेलकम। ये सरिता अग्रवाल ट्रेडिशनल म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, सेलिब्रिटी सिंगर, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हमारे बीच में, और अभी कुछ ही देर में सिंगिंग द्वारा धमाल मचाएंगे। तो आइए आज होटल रेडिसन ग्रुप में पश्चिम में जो एक कार्यक्रम चल रहा है, सिंगिंग डांसिंग मॉडलिंग फैशन शो और मेकअप कम्पिटिशन, आइए हम एंट्री करने जा रहे हैं फाइव स्टार होटल। जी हाँ, रेडिसन ग्रुप एंट्री करते हुए और पूरी टीम के साथ। जी हाँ, डॉक्टर रमेश अग्रवाल। सिंगिंग से लेकर डांसिंग कंपटीशन, मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन रखा गया है। तो यहाँ पे मौजूद है पश्चिम बिहार के, पश्चिम बिहार में मौजूद हैं हम और जानेंगे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी से इस फैशन शो में आखिर क्या कुछ खास रखा गया है, क्या कंपटीशन होने वाले हैं और ओरो कंपटीशन से ज़्यादा क्या खास होने वाला है। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सागर जी, आप कहाँ से आए? यूपी से। तो जी, आप क्या कुछ खास जो है इस कार्यक्रम में आपने आज रखा है? हालांकि फैशन शो तो हर जगह होते हैं, लेकिन इस फैशन शो में क्या आपने खास रखा? इस फैशन शो में बच्चों को नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े, मॉडलिंग भी, डांसिंग भी, सिंगिंग भी, उसमें सभी प्रतिभागी अपना भाग लें ताकि बच्चे आगे स्टेज के ऊपर जाके। हमारे साथ लक्की जी हैं जो कि 35 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरे बॉडीगार्ड चंद्रभान जी, आचार्य जी जो कि गुड़गांव से हैं, जैन साहब जो कि वो हमारे मेन हैं जो कि ब्राइडल का काम करने जा रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। सौरभ जी हैं हमारे, सौरभ जी कोरियोग्राफर हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ बड़ी मेहनत। जैसे कि सर आपने आज कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं, कितने सालों से? मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 35 सालों से हूँ। दोस्तों, आज बड़े ही खुशी की बात है कि रचना म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हमारे समक्ष हैं, और आज इनकी जो रचना म्यूजिकल ग्रुप की चेयरपर्सन मिस रचना अग्रवाल जी हैं, जो सीए हैं, उनके बच्चे का आज सॉन्ग एक रिलीज होने वाला है, जो कि दोनों के हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर लक्की कश्यप जी नटराज ऑर्गेनाइजर के हेड हैं, और सरिता अग्रवाल ट्रस्ट के हेड और रचना म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, इन्होंने आज लंच करेंगे। मैं सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इसमें अपना सहयोग दिया। नमस्कार। अक्सर सर हमने देखा है, सिंगिंग की दुनिया में और मॉडल हैं रमेश अग्रवाल जी, जो कि आर्थिक स्थिति से जो मॉडल सिंगर हैं, जिनको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो रमेश अग्रवाल जी उनका साथ देते हैं और प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? सर, ये एक समाज सेवी हैं और ये एक सेलिब्रिटी सिंगर भी हैं। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको ये अपने तरफ से खर्च करके हर बच्चे को आगे ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी को भी किसी तरह की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए एक तत्पर रहते हैं। अक्सर हमने देखा है पंजाब में तो धूम मचाते हैं, दिल्ली में आए हैं, दिल्ली का दिल जीत लिया है रमेश अग्रवाल जी ने। आपने रेडिसन ग्रुप में शिरकत की है और हमारे लकी सर हैं, लकी सर जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सभी लकी सर तो इस इंडस्ट्रीज के प्राण हैं, जैसे शरीर में मेन रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे लकी सर इस ऑर्गेनाइजरों के लिए रीढ़ की हड्डी है। सर, ये दोनों ऑर्गेनाइजर बहुत बड़े बड़े शो करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ताल कटोरा वगैरह सब में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 3-4 प्रोग्राम वहाँ भी कर रहे हैं, और फिर
तैयारी कर रहे हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजर कि वहाँ पर भी फिर प्रोग्राम होगा और विदेशों में भी होगा। सर कलम ऐसी है कि यहाँ फ्री सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग और खाने का भी व्यवस्था है, जो ट्रॉफियाँ भी है और ब्राइडल मेकअप जितने हैं उनके लिए। मैं तो लोगों के आपके आशीर्वाद से ही जिंदा हूँ। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है, लेकिन लक्की जी के साथ में जुड़ने के बाद में हमारा कुछ और ही काम हो गया। ये तो दिल्ली के अमिताभ बच्चन है, दे रखा है बच्चों को कि ताकि वो अपना आगे जाके करियर बना सके। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कैसे आपने ये शुरुआत करी? मेरी बहुत जरूरत रही हूँ, मैं खुश हूँ। अब मैं डांस खुद डांस कर सकता हूँ। आपने कैसे प्लेटफॉर्म दिया, कैसे शुरुआत करी आपने, क्या मन में विचार आया? मुझे विचार यह है कि जैसे प्लेटफॉर्म और आगे आने वाले टाइम के अंदर बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हर किसी को प्लेटफॉर्म मिल सकती है। ये एक मीडिया इंडस्ट्री अपने बहुत बड़ी, अगर हम उनको स्टेज पर डांस या प्ले सकते हैं तो वो सब उस टाइम के अंदर कदम रख करके अपना भविष्य बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। किसी भी इवेंट के मुझे आगे खुलते नहीं, चाहे छोटा इवेंट हो या बड़ा हो। हाँ, इवेंट कर रहे हैं ये महल जैसा ब्लू रेडिसन में, ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ की जोड़ी याद के पिछले 4 अगस्त को मेरा बर्थडे रहा, बड़ा छोटा सा स्टूडियो था, सबने अच्छी अच्छी बातें कही। रमेश जी इनकी एक जिंदा दिल की बात बताता हूँ, बड़े छोटे स्टूडियो में मैंने सबसे कहा सर मेरा बर्थडे है और आपको आना है, तबियत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा बर्थडे वहाँ आके मनाया। ये बड़े मेरे से सौभाग्य की बात है और एक जिंदा दिली और एक नेक दिली इंसान की बात है, ऐसे इंसान दुनिया में कम पैदा होते हैं। तो एक बार मैं रमेश अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां हूँ, क्योंकि ये छोटे बड़े का कम कि कौन समझा छोटा है कौन बड़ा है, छोटा स्टूडियो है बड़ा कुछ नहीं। एक बार इनसे कोई रिक्वेस्ट करे ये कभी नहीं मना करें। तो ये एक बड़े अच्छे इंसान की पहचान है, मैं ये कहना चाहूँगा रमेश जी के लिए, ये हमेशा हमारे साथ रहें और एक लंबी आयु पाए, स्वस्थ आयु पाए, ताकि इस तरह के इवेंट जिंदगी में होते रहें। साथ काफ़ी साल से जुड़ा हूँ और ऐसे इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखे जो ये सेवा करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। और ऐसे ऐसे कलाकार कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि उसको स्टेज देने वाला इंसान नहीं। और ये ऐसे ऑर्गेनाइज़र हैं लक्की कश्यप जी और डॉक्टर रमेश कृष्णा अग्रवाल, उनकी आज एक फर्स्ट एल्बम रिलीज होने वाली है और ये सारा श्रेय जाता है रमेश अग्रवाल को। तो हमारे पास जोरदार तालियां और इनके जो परिवार से आए हुए इनके बेटे हैं जो अनूप अग्रवाल जी और उनकी मिसेज है पूजा जी, सुरभि और चैतन्या जी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं और सिद्धि विनायक स्टील के ये डायरेक्टर हैं, काम जेनुक स्टील के डायरेक्टर। और इसके बाद स्वरूप अग्रवाल जी हमारे साथ पहुँच चुके हैं, निकिता जी हैं, जय अग्रवाल हैं, जिविशा जी, ये इनके परिवार हैं जो सारे बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, उनका स्वागत है। और उसके बाद रचना अग्रवाल जी सीए हैं, ये अभी कुछ देर में पहुँचने वाली है, और कृष्णा जी हमारे बीच में आने वाले हैं। और समाज सेवी भी अग्रवाल जी और बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हैं कि घर बैठे कोरोना के अंदर इन्होंने बाई और पेटीएम द्वारा सबकी मदद की है। और यही कहूँगा कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। बात बहुत अच्छा, समझता हूँ अपने आप को कि सर के प्रोग्राम में मुझे हमेशा आने का मौका मिलता है। रमेश अग्रवाल जी बहुत अच्छा गाते भी हैं और सबको बुलाते भी हैं और थोड़ा अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं और लोगों को बहुत चांस देते हैं, बहुत मदद करते हैं, मेरी भी बहुत जो है सराहना करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसा समाज में कार्य होना चाहिए जैसे रमेश अग्रवाल जी करते हैं। तो मैं सर का दिल से आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया सर के लिए। तो
इधर उधर बताने मुश्किल है। बस इतना कहना चाहूँगा भगवान मुझे हमेशा ऐसे ही रहे तंदुरुस्त। अग्रवाल जी से काफ़ी साल पहले मिला था, उनके व्यवहार से, उनके सब कुछ से, और रमेश अग्रवाल जी जो सीधे किसी को भी अगर मदद करते हैं या सब कुछ करते हैं ना, इनके साथ उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, कोई इनके पास गरीब से गरीब आए, कोई भी आए। मेरे सॉन्ग का नाम मेरा ख्वाब है और वो रिलीज मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट पर और स्पॉटिफाई पर भी डालता हूँ। कैसा लग रहा है आपको, आपको पहला गाना है? हाँ जी, मेरा पहला। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, क्यों सुने आपका गाना? मेरा मेरी फिल्म उसमें है और हो सकता है आपको पसंद आए। उसमें क्या सॉन्ग में क्या दर्शाता है, क्या इंडिया कल्चर का कोई रिलेटिव कोई चीज़ है या कुछ लड़का लड़कियों के जगह आजकल लव स्टोरी है क्या? बेसिकली एक लव स्टोरी के ऊपर है, अधूरी लव स्टोरी। फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम है मेरा ख्वाब। और मैं अपने फादर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर कृष्णा अपना सॉन्ग लॉन्च कर पा रहा है। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ नॉट ईजी टू गेट दिस प्लेटफॉर्म, सो आई रियली थैंक यू फॉर गेटिंग दिस अरेंज।
किया है सभी का, मैं नाम गलत अनाउंस कर रहा हूँ शुरू से, ये ग्रुप फोटो। विश्वजीत जी कवर अच्छा कीजिएगा, आप हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, समाचार निर्देश से हमारे बीच में है, मैं सभी का नाम बीच बीच में बोल रहा हूँ। और रमेश अग्रवाल जी एक कोई मुकाबला नहीं है, तालियां। नीरज जी दो शब्द आपसे मिलेंगे। रमेश अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई, हमारे पैटर्न, हमारी सोसाइटी के, हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे समय की थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं थोड़ा लक्की भाई को ज़्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन आपका जब से आशीर्वाद मिला है तो मुझे महसूस नहीं होता कि मेरी लक्की भाई को कुछ ज़्यादा मतलब कमी हुई है, लेकिन जब भी लक्की भाई आवाज़ देते हैं अभी आपको जैसे भी होता है, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और मेरे बहुत ही मतलब कार्यक्रमों को तो कर रहे हैं, अब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है, देखो जैसे फैशन शो वगैरह डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देखते खुशी होती है, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे तालकोटा स्टेडियम में भी कार्यक्रम हुआ था, मैं भी था उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके, और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है गुरु से, पूरा जो पूरी सोसाइटी है नटराज आर्ट्स दिन दिन और रात चौक की तरक्की करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, खुशी होती है, धन्यवाद, थैंक यू। मुझे इन सबका आशीर्वाद दिला, मास्टर जी का, अग्रवाल जी का, सौरभ भाई का, और हमारे छोटे भाई नीरज गुप्ता जी का, और सारे परिवार का, जो मैं आज इनके आशीर्वाद से आज 115वां इवेंट फाइव स्टार होटल में पहली बार कर रहा हूँ, और वो अग्रवाल जी का बहुत बड़ा साथ रहा है, नीरज भाई का बहुत बड़ा साथ रहा है, ये दो महान हस्तियाँ, और सपोर्ट पीछे से धक्का जैन साहब ने मिला, धक्के से पीछे नहीं रहते क्योंकि बड़ो आगे। और अभी आपको बता दूँ नेक्स्ट इवेंट हमारे डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ा बैंकट बनाया, नेक्स्ट इवेंट उसमें करने जा रहे हैं, कम से कम दो इवेंट, जोरदार तालियां, बहुत बड़ा बैंकट बनाया है, और वो मेरे को स्पॉन्सरशिप में है, दीक्षांत जानकर बहुत बड़ा बैंकट है, मेरे को बर्थडे हुआ था, तो दो इवेंटों में आप सबको वहाँ पर बुलाएंगे, थैंक यू वेरी मच। और आगे कार्यक्रम लेके चलेंगे आप बीच में, अपने से छोटों को प्यार करते हैं, अपने से छोटों को प्यार करते हैं, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, महज इंसानियत ही है धर्म अपना, तहे दिल से इस होटल में आप सबका सत्कार करते हैं, थैंक यू। जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है, जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, कमजोर जिगर वाले कुछ नहीं करते, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और डॉक्टर लकी कश्यप जी के लिए, नमस्कार, थैंक यू।
पाता, ऐसा चांस नहीं मिल पाता, लेकिन ये ऐसी हस्तियां जिन्होंने हमेशा चाहती है कि कृष्णा को और आगे बढ़ाया जाए, हमारी विशेष के और आगे बढ़े, और अग्रवाल फैमिली से जितने भी हमारे सर सामने प्लीज, कृष्णा अग्रवाल जी के साथ हमारी सबकी ब्लेसिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स की, तो उनकी जो मदर है और उनके जो ग्रैंडफादर है डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, उनके जितने भी हैं उन सब फैमिली का उनका आशीर्वाद आपके साथ है कृष्णा जी। आप हमारी दुआएं कि आप खूब पढ़े, ये फर्स्ट जो आपकी वीडियो है, और इस गाने का डायरेक्टर है हमारे डॉक्टर चंद्रभान जी, और आरती जी का पूरा इसमें सहयोग रहा, आरती गुप्ता जी का पूरा सहयोग रहा है। चंद्रभान जी आप एक बार मंच पर आ जाएं, आरती जी आप भी, कि पूरी टीम जैसा मुझे बताया कि करते रहे, और यही हम चाहते हैं कि आप नाम रोशन करें जिस प्रकार से सेलिब्रिटी हमारे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हैं, हम चाहते हैं कि सेलिब्रिटी बने आप कृष्ण अग्रवाल जी। I'm not afraid of the dark.
शीशे से पी या पैमाने से पी, हमेशा पीते रहिए, क्योंकि ये कहते हैं शराब बड़ी